घर घर का श्रृंगार प्रेम सनातन। उपस्थित प्रिय स्वास्थ्य प्रेमियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके न जानने से भविष्य में लोग बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। आज की तरह जब एलोपैथिक दवाइयों का इतना प्रचार नहीं था, तब ये जड़ी बूटी प्रायः सब घरों में रहती थी। इसका नाम है ईसब गोल की भूसी। आहार विहार की गड़बड़ी से जब किसी को कब्ज हो जाता था तो हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि रात को गाय के दूध में एक 200 मिलीग्राम गाय के दूध में 2 चम्मच ईसबगोल की भूसी भिगो दो और सवेरे कुल्ला आदि मुंह धो करके व्यायाम आदि करके उसको खा लो। अधिक कब्ज हो तो पुनः सवेरे भिगो दो और शाम को खा लो। ईसबगोल की भूसी द्विउपयोगी है। अगर किसी को कब्ज हो जाए तो इसको गाय के दूध में या शुद्ध पानी में भिगो करके 4-6 घंटे 8 घंटे लेंगे तो आपका कब्ज टूटने लगेगा। और यदि आपको दस्त आ गए हों किसी कारण से, 2, 4, 6, 10, 8, 10, 12 दस्त पानी जैसे दस्त, उस समय अगर आप 50 या 100 ग्राम दही ले लें, दही खट्टा नहीं होना चाहिए, और उसमें उतना ही पानी मिला लें और उसमें उतनी ही उसमें 1 या 2 चम्मच ईसबगोल की भूसी मिला के खूब घोंट लें और साधारण दस्त में 1-2 बार ले लीजिए 3-3 घंटे में, अधिक दस्त में 4-5 बार दिन में ले लीजिए, आप आश्चर्य करेंगे कि ईसबगोल की भूसी जब हम पानी में भिगो के लेते हैं तो कुछ दिन तक हमारा पेट ठीक रहने लगता है। जब वही ईसबगोल की भूसी जब हम दही में पानी मिला करके और ईसबगोल की भूसी मिला के खूब घोट करके लेते हैं तो हमारा दस्त बंध जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार 5 बीमारियां ऐसी हैं, यदि इनको दवाइयों के द्वारा दबाया ना जाए तो भविष्य में कभी घातक रोग नहीं होंगे। हम जब कब्ज को बार बार जुलाबी दवाओं से तोड़ते हैं तो भविष्य में आंतें कमजोर हो जाती हैं, किंतु यही ईसबगोल की भूसी जब हम पानी में भिगो के लेते हैं इससे आंतें कमजोर नहीं पड़ती हैं। और जब हम कोई दवा के द्वारा, दमनात्मक औषधियों के द्वारा जब हम दस्त को दबा देते हैं, ठीक कर लेते हैं, तो दस्त तो ठीक हो जाता है लेकिन भविष्य में आँव पड़ने लगती है, भविष्य में हमारी कोलाइटिस हो जाती है, गैस बनने लगती है। तो आज हम आपको बहुत संक्षेप में बता रहे हैं कि ये ईसबगोल की भूसी सदा घर में रहें। ये कॉमन ईसबगोल की भूसी है। ये ईसबगोल की भूसी बाज़ार में बहुत प्रसिद्ध है और बड़ी शुद्ध अवस्था में मिलती है। आजकल लोग इसको आटे के तरह पतला करके भी मिलने लगी है लेते हैं, वो उतनी उपयोगी नहीं है। आप इस भूसी को बाज़ार से ले आएं, इस प्रकार से किसी पारदर्शी प्लास्टिक या कांच की शीशी में भर के रख लें। अगर आपको बहुत कब्ज रहता हो तो आप लगातार 8-10 दिन ले लें और साथ में अन्न की मात्रा घटा दें। खरी भूख में खाने का अभ्यास करें, खूब चबा चबा के खाने का अभ्यास करें। कहा भी है 2 मिनट भोजनालय तो 20 मिनट शौचालय। और हरी सब्जी की मात्रा बढ़ा लें। यद्यपि ईसबगोल की भूसी से आपको फायदा होगा, जब पानी के साथ लेंगे कब्ज में आराम मिलेगा, लेकिन यदि आप इसको लगातार लेते रहेंगे
आठ दस दिन के बाद भी लेते रहेंगे तो फिर आते उसको स्वीकार कर लेंगे। इसलिए आठ दस दिन ले लीजिए, पाँच दिन ले लीजिए, महीने दो महीने के बाद फिर ले लीजिए। प्रयास यही करिए कि हमारा जो कब्ज जो है व्यायाम के द्वारा, प्राकृतिक तरीकों द्वारा, हरी सब्जी के द्वारा ठीक हो। तो बहुत संक्षेप में एक बात और ध्यान रखें कि अगर आप इसबगोल की भूसी के आदि बना लेंगे अपने आप को, तो भविष्य में ठंडी तासीर होने के कारण ये जोड़ों में दर्द पैदा कर देती है। तो इस प्रकार से आप प्रयास करें। कुछ लोग इसबगोल की भूसी फांक करके पानी पीते हैं रात को सोते समय, ये बिल्कुल गलत है। भाव प्रकाश निघंट से संबंधित शास्त्रों में लिखा है, इसबगोल की भूसी भिगो कर लेने से पानी के साथ पेट में पेट ठीक होता है, और दस्त आ जाने पर इसबगोल की भूसी दही के साथ लेने में आराम मिलता है। कुछ लोग तो इसबगोल की भूसी भिगो करके दूध में, विशेष तौर से गाय के दूध में परमानेंट लेते हैं और खीर का आनंद लेते हैं। हाँ, जब इसबगोल की भूसी का खीर का आनंद ले तो सफ़ेद चीनी बिल्कुल नहीं डालेंगे, गुड़ डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं, मिसी डाल सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, प्राकृतिक मिठास की तरफ बढ़ें। तो आप लोग जो है आज से ही अपने घर में इसबगोल की भूसी रखिए और आवश्यकता अनुसार से लीजिए। प्रयास यही करिए कि कब्जी का दुश्मन हरी सब्जी, अगर आप हरी सब्जी की मात्रा अधिक लेंगे तो कब्ज आपको होगा ही नहीं। धन्यवाद। एक बात ध्यान रखें कि जब भी आपको कोई कठिनाई हो इस संबंध में, तो मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, निदेशक देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीता नगर कानपुर में, मैं लोगों को योग साधना कायाकल्प कराता हूँ। और साथ में मेरा मोबाइल नंबर चाहे तो नोट कर लें, 9336111 5528। धन्यवाद।